हाय दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोगों को बहुत ही स्पेशल गेस्ट से मिलवाने वाले हैं। वो है मेरी ये गौरैया, जो कि मेरे घर में, इनका घर बना हुआ है छोटा छोटा, दीवारों के साइड में छोटा कॉलम। पहले ज़माने के जो घर बने रहते थे उसमें बना रहता था और कोई इतना केयर नहीं करता था, लेकिन मैंने देखा एक दो उड़ के आके बैठती थी। फिर से मैंने दाना रखना शुरू किया। ये जो दाना खाती हैं उसका नाम है ककुनी, और मैंने ककुनी मंगा के और रखना शुरू किया। पानी रखती हूँ, ये लोग अपने दाना। अब तो मतलब ऐसा है कि मेरे ख्याल से 20 तो आराम से होंगी, और बरसात में जो होता है उसका अंडा भी देती हैं, वो सब भी मतलब बहुत संख्या पहले से इन लोगों की। मेरा कहने का मतलब यही है कि बढ़ गई हैं। और आप लोग से भी अनुरोध है, प्लीज़ अगर आप लोग दाना ना संभव हो तो पानी ज़रूर रखें। और मैंने इनको दाने के साथ साथ दाल चावल मैश करके खिलाना भी सिखाया है। बहुत शौक से खाती हैं सब। उबले हुए बॉयल आलू भी मतलब मसल के देती हूँ तो खाती हैं। तो इंसान की सेवा तो हर कोई करता है, लेकिन ये बेजुबान पक्षियों की सेवा करना हमारा पहला कर्तव्य है, और बहुत अच्छा लगता है। अब जो भी आता है मेरे घर में पूछता है कि अरे मतलब इनको शायद ब्राह्मण का दर्जा दिया जाता है। मेरी दीदी आई थी तो बोल रही थी कि बहुत अच्छी बात है कि तेरे घर में मतलब इस तरह से खाती हैं सब, बहुत अच्छा माना गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तो चार देख रहे हैं ना, अभी आएंगी सब। एक तो ऐसी मतलब तेज तरार चंट है कि दूसरों को खाने ही नहीं देती है। और देख लीजिए खा रही हैं सब, खा के पेट भर के पानी पी के पूरा दिन रखा रहता है अपना, खाती हैं सब समय पे, खा के उड़ जाती है। तो प्लीज़ आप लोग से भी मेरा रिक्वेस्ट है, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी इनकी सेवा ज़रूर करें। नमस्ते।